सो ये गाइस कैसे हो तुम सभी। आज की स्टोरी में बताऊंगा तुम्हें कैसे कैट 6 का लैन केबल को वायरिंग कर सकते हो एंड इट्स क्वाइट सिंपल और बहुत इजी स्टेप्स में बताएंगे। एंड इसके लिए आपको क्रिम्पिंग का टूल चाहिए जिससे कि आप इसे क्रिम्प करोगे एंड एक लैन केबल एंड इसका कनेक्टर। ओके, तो पहले इसको हम फिल कर लेते हैं। अब वॉइस नहीं आ रहा होगा तो रियली सॉरी फॉर देट, क्योंकि मैं ऐसे जगह में बना रहा हूँ। तो ये जो लैन केबल है इतना इंडोर लैन केबल है तो इसलिए विथ एन हैंड पील हो जा रहा है, बट अगर आप अच्छे कंपनी से लोगे इफ़ यू टॉक अबाउट द डीलिंग तो उनके क्वालिटी ऐसे हाथ से नहीं, आपको पूरा इसी से क्रिम करना पड़ेगा। बट ये इतना पतला है जिससे कि अगर मैं इससे करूँगा तो ये केबल कट कर देगा। ठीक है, आप इसे किसी भी शार्प टूल से वो कर सकते हो। ठीक है, बट इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाला है, कोई वो झमेला नहीं है, तो हम इसे कट कर लेंगे। हो गया, ये कटिंग के लिए होता है सामने वाला। एंड ये जो दो साइड में जो ब्लेड देख रहे हो इससे आपका जो एक्सटीरियर जो पील है उसको करने के लिए होता है। ठीक है, एंड इससे अपना RJ45 एंड इससे अपना जो टेलीफोन वाला जो है उससे क्रिम करोगे, मैं बता दूंगा वो द प्रोसेस में। तो पहले इसको सब केबल्स को ऐसे हटा देना है। ठीक है, इसमें जो ब्लू वाइट है और ब्राउन मतलब ब्लू वाइट जो ब्लू है एंड ब्लू वाइट जो है ये अपना पावर के लिए होता है। एंड यहाँ पे जो ब्राउन वाइट एंड ब्राउन जो है ये अपना दूसरे पावर के लिए होता है और TXRS के लिए, बट गीगाबिट में हमें इन पावर का नीड पड़ता है। इसलिए अगर आपका नॉर्मल अगर देखोगे स्विच उसमें इसका कनेक्टिविटी नहीं होता, बट अगर आप नॉर्मल स्विच को ओपन करोगे गीगाबिट स्विच को तो ये पावर का वो यूज़ करता है, तभी वो असाइन होता है कि वो गीगाबिट नेटवर्क को वर्क कर रहा है। तो आप कोई भी गलती नहीं कर सकते इस पर। ठीक है, ये सब पूरा स्ट्रेट्स होने चाहिए। अगर ये स्ट्रेट्स ना रहे तो आपको जब इसको इंसर्ट करोगे अपने मेल कनेक्टर पे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ओवरलैप होकर के फिर बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो यहाँ पे आप ये जो थ्रेड देख रहे हो नायलॉन का, इससे आप इसे स्ट्रेच करोगे तो ये और मतलब पील करने के लिए इजी पील के लिए। ठीक है, मैं अगर इसको ऐसे खींचूंगा तो ये पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा, बट अभी करना नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मैं बताना था इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सब पहले क्या करना है कि ऑरेंज वाइट, ठीक है, सबसे पहले देख लो ऑरेंज वाइट, उसके बाद ऑरेंज लेना है, उसके बाद डायरेक्टली आपको क्या करना है ग्रीन एंड ग्रीन वाइट लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लू आ जाएगा एंड फिर ब्लू वाइट। ओके, उसके बाद ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद आपका ब्राउन वाइट, ब्राउन एंड ब्राउन वाइट, एंड इसके बाद आपका ब्राउन। सो दैट सिंपल हो गया आपका केबल। इसको पूरा दो तीन बार ऐसे स्ट्रेट करना जिससे कि एक दूसरे से ओवरलैप ना हो। देखो आप लोग कलर कोड समझ गए होगे, चार्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, आप चार्ट देख के भी कर सकते हो। ठीक है, पहले ऑरेंज वाइट आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, उसके बाद ग्रीन वाइट आएगा, उसके बाद ब्लू आएगा, फिर ब्लू वाइट आएगा, उसके बाद ग्रीन आएगा, उसके बाद ब्राउन वाइट आएगा एंड लास्ट एट द एंड ब्राउन आएगा। ओके, आपको पूरा टिप तक लेके जाना है। ठीक है, मैं इतना तक रहूँगा, इतना तक स्टेबल है मतलब पूरा स्ट्रेट है। इसके बाद मैं अपने क्रिम्पिंग लेके जाऊँगा एंड यहाँ पे जो दिख सकते जहाँ पे सिंगल ब्लेड है वहाँ पे ले जा करके इसे मैं कट कर लूँगा। थोड़ा सा रखते हुए इसे मैं प्रॉपरली कट कर लेता हूँ। एक पूरा स्ट्रेट्स है, कट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। इसको ये देखो इस तरफ क्लिप है। ठीक है, इसको उल्टा करना है एंड इसको इस तरीके से ऑरेंज वाइट की तरफ से रखते हुए इसे इंसर्ट कर देना है। ये इंसर्ट हो गया एंड आपको ये जो टॉप है टॉप में देखना है कि सबके एंड्स में आ रखे, कैमरा में पकड़ता नहीं है ना तो ये दिक्कत है, बट मैं इसे लगा देता हूँ प्रॉपरली। ये हो चुका है पूरा एंड इसके बाद इसे इंसर्ट करना है इसके अंदर एंड इसे हम क्रिम कर लेंगे। सो दैट्स हाउ सिंपल हम लोग ने अपना केबल को रेडी कर लिया। ठीक है, इसके एंड्स में देखो पूरा प्रॉपरली पूरा एंड तक लगे हुए। ठीक है, इसमें दूसरे वाले भी आते हैं जो मेल कनेक्टर्स होते हैं, जैसे पास थ्रू होते हैं, तो आप पूरा केबल को इतना तक लेके आ जाओगे, उसके बाद ये पूरा क्रिम्पिंग करने के बाद उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लोगे, बट ये पास थ्रू वाला नहीं है, डायरेक्टली है सामने ब्लॉक है, आपको पूरा एंड तक लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट करते हैं अपने POE स्विच पे लगा करके। सो गाइस, ये हमने भी क्रिम किया, ये अपना गीगाबाइट का POE है, हमने इसे लगा दिया और हम अभी इसे अपने स्विच पे लगाएंगे। ठीक,
एंड देखो लाइट जल रहा है, मीन्स ये गीगाबिट का नेटवर्क है। एंड यहाँ पे अगर येलो चल रहा होता तो वो 100 एमबीपीएस का, बट ये गीगाबिट है तो इसमें ग्रीन चल चुका है। इसे हटा देता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये बंद हो जाएगा। तो मैं इसे लगा देता हूँ, मैंने इसे लगा दिया एंड ये पावर अप हो जाएगा। तो दैट्स हाउ सिंपल आप कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हो। और कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगर आपके पावर केबल प्रॉपरली कनेक्ट ना हो, आपने TXRS प्रॉपरली लगा दिया एंड जो ब्लू वाइट और ब्राउन वाइट अगर प्रॉपरली कनेक्ट ना हो तो ये 100 mbps का जल जाएगा, ठीक है ना, गीगाबिट नहीं जलेगा। तो उसका ध्यान रखना एंड प्रॉपरली से कनेक्ट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, पीस आउट, सी यू सून, टाटा, बाय बाय।